तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, बस दिल में यही उम्मीद और हौसला लिए अपने ख्वाबों को पंख देखे उड़ चले। धारावी के रहने वाले फैजल शेख, जो पूरी दुनिया में फैजू के नाम से जाने जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको फैजू की जिंदगी के कुछ कहे अनकहे फसाने बताते हैं। धारावी की गली में पले और बड़े हुए फैजल शेख उर्फ फैजू ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। उनके टिकटॉक पर 25 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स होंगे और उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। तो आपको बता दें कि फैजू का जन्म 7 अक्टूबर 1994 को हुआ था। उनके घर में उनकी मम्मी डैडी और उनकी दो बहनें हैं। फैजू अपनी बहनों के बहुत करीब है। फैजू ने अपनी स्कूलिंग IES न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा से की और बांद्रा के ही रिजवी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फैजू शाहरुख खान और सलमान खान के बहुत बड़े फैन है और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कटरीना कैफ, आलिया भट्ट और दिशा पाटनी है। फैजू एकदम हार्डकोर फिटनेस फ्रीक है। वो दिन में 2 घंटा जिम में बिताते ही है। फैजू अपने मजहब को भी बड़ी पाबंदी से निभाते हैं। उनका मानना है कि जो भी उनको सफलता मिल रही है वो उनके माँ की दुआ और रब की मेहरबानी है उन पर। फैजू ने अपने कॉलेज के दिनों में पॉकेट मनी के लिए एक सेल्समैन के तौर पर जॉब की थी। वो बांद्रा के हिल रोड पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान में काम करते थे और वहीं से उन्होंने बस यूं ही वीडियो बनाने की शुरुआत की थी। फैजू का पहला वीडियो जो उन्होंने म्यूजिक लीग के लिए बनाया था, जिस पर उन्हें सिर्फ 600 लाइक्स आए थे, पर फैजू ने दिल छोटा नहीं किया और वो कई वीडियो बनाने लगे। फैजू का कहना है कि उनके खास दोस्त अदनान, जो उनके ग्रुप 07 का हिस्सा भी है, फैजू के करियर बनाने में अदनान का बहुत बड़ा हाथ है। वो अदनान ही थे जो शुरुआती दिनों में फैजू को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते थे और अब फैजू उनके ग्रुप 07 के ही नहीं इंडिया के नंबर 1 स्टार बन गए हैं। फैजू एक बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है। लड़कियों में उनकी फैन फॉलोइंग बेहिसाब है और इतना ही नहीं, उनकी फीमेल फैंस तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव भी है। उनके फीमेल फैंस को जरा भी पसंद नहीं है कि फैजू किसी और लड़की के साथ वीडियो बनाए या कोई फीमेल सेलिब्रिटी के साथ वीडियो बनाए। फैजू अपने इवेंट के चलते कई अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं, जैसे हैदराबाद, दिल्ली, राजकोट और कोलकाता। पर उनके करियर का पहला इवेंट जो अहमदाबाद में हुआ था, वहाँ वो अपनी टीम 07 के बाकी मेंबर्स के साथ गए थे। इवेंट होने के कुछ देर पहले फैजू ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो में जिस होटल में फैजू रुके थे उस होटल का नाम आ गया था और फैजू के हर वीडियो की तरह वो वीडियो भी वायरल हो गया और फिर कुछ ही समय में होटल के नीचे लोगों की भीड़ आधम की। भीड़ ऐसी थी कि पुलिस प्रोटेक्शन बुलाना पड़ गया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और फिर वहीं से फैजू के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद फैजू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें उड़ना है, दौड़ना है, गिरना है, संभलना है, बस रुकना नहीं है। फिर वो इवेंट दर इवेंट करते रहे। काफी ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी किया उन्होंने। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए फैजू के साथ वीडियो बनाए और अब फैजू ने कदम आगे बढ़ाते हुए म्यूजिक वीडियो में नजर आने लगे। कई म्यूजिक वीडियो करने के बाद वो टेलीविजन एक्ट्रेस जन्नत जुबैर के साथ म्यूजिक एल्बम में नजर आए, जिसको शूट करने फैजू दुबई गए थे। इसके पहले दोनों काफी टिकटॉक वीडियो बना चुके थे साथ और लोगों को इनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगने लगी थी। इतना ही नहीं, दोनों के लिंकअप रूमर्स भी आने लगे थे। जब फैजू जन्नत जुबैर के घर इफ्तार पार्टी में गए, जहां इन दोनों का मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ था, और तभी से दोनों के लव अफेयर्स की अफवाहें धुएं की तरह फैलने लगी। उनके एल्बम सॉन्ग लॉन्च पर जब जन्नत से पूछा गया लिंकअप के बारे में, तो जन्नत ने गुस्से में ना कर दिया। म्यूजिक वीडियो तो काफी पॉपुलर रहा, लगभग 20 मिलियन व्यूज मिले उस गाने को। अब जब फैजू की लाइफ में सब ठीक चल रहा था, तब वो एक बहुत ही भयानक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए उनके एक टिकटॉक वीडियो के वायरल होने की वजह से। तो दरअसल बात यह है कि 17 जून 2019 को झारखंड के रहने वाले तबरीज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हत्या की गई थी, जिस वजह से लोगों में गुस्सा गर्मी थी और वही जज्बात में आके फैजू और उनकी टीम 07 ने एक वीडियो में लिपसिंग करते हुए कहा था, तुम यूं ही मुसलमानों को मारते रहोगे और फिर जब उनकी औलाद तुमसे बदला लेगी तो ये ना कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, और ये वीडियो आग के धुएं की तरह वायरल हो गया, जिसकी वजह से काफी बवाल हुआ था और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने फैजू और उनकी टीम 07 पर FIR दर्ज करवा दी और उनके टिकटॉक अकाउंट को सस्पेंड करवा दिया। फैजू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट डाल के माफी भी मांगी कि उनका ये ग्रुप का मकसद किसी और को हर्ट करना नहीं था, पर लोगों को जितना बवाल करना था वो करते रहे। कईयों ने तो ये कहा था कि फैजू अपने रिलीजन की वजह से भुगत रहे हैं।
पर फैजो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी पहली लंदन यात्रा के लिए निकल गए और अपने हर खास लम्हों की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहे। और फिर कुछ दिन के बाद फैजो और उनकी टीम को बेल मिल गई। एक इंटरव्यू में जब फैजो से पूछा गया कि वो बिग बॉस के घर में जाना चाहेंगे तो उन्होंने बिना रोके कहा, हाँ बिग बॉस के घर कौन नहीं जाना चाहेगा, हर किसी का सपना होता है बिग बॉस। बिग बॉस का तो पता नहीं, पर फैजो बहुत ही जल्द कई और टिकटॉकर्स के साथ एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कुछ कुछ बिग बॉस जैसा ही होगा। और फैजो ऐसे ही पॉपुलर रहे तो वो शायद बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर भी अपनी धमाकेदार एंट्री करेंगे। तो कैसी लगी आपको फैजो की ये कही अनकही कहानी, हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।